आज हम आए हैं सरोजनी नगर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग कर ही रहे थे कि देखा कि सामने कमेटी वाली NDMC की गाड़ी आ गई। सारा मूड ख़राब हो गया शॉपिंग करने का, जो शॉपिंग करने का सोचा था भूल ही गए सब कुछ, क्योंकि एकदम भगदौड़ मच जाती है। सब सामान अपना उठा लेते हैं और इतना सेटअप करते हैं ये बेचारे, वो सब एकदम कमेटी की गाड़ी आते ही वो सब इधर उधर हो जाते हैं। तो देखते हैं हम जो सामान यहाँ पर लेने आए हैं, मतलब हैंडबैग वगैरह या ड्रेसेस वगैरह लेने आए हैं, वो मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। बने रहिए मेरे साथ, इनका तो यही काम है, आते हैं। और पता है शाम के ये 7:30 बजे हैं, शाम के 7:30 बजे ये NDMC वाले आए हैं, और देखो कैसे मतलब इनको जो मिलता है सब उठा के ले जाते हैं। टाइम होता ही नहीं है कि भाई कोई टाइम भी तो होना इनका। पहले सुनते थे कि 5 बजे तक आते हैं, कभी भी आ जाते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और हम हैंडबैग देख रहे हैं, हैंडबैग मिलता है तो अच्छा सा चाहिए। और यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, कपड़ों से लेके आपको हैंडबैग और घर के डेकोरेशन को लेके और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह सब आपको आपको यहाँ पर सब मिल जाता है। और बने रहिए मेरे साथ इसमें, आगे वीडियो में हम आपको क्या क्या दिखाती हूँ। अगर मैं बनी रही ज़्यादा देर यहाँ पर रहूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मेरा इरादा लग नहीं रहा, अब जैसे यहाँ पे मैंने गाड़ी को देखा तो लग नहीं रहा कि यहाँ पर ज़्यादा देर रुकूंगी। तो देखते हैं, एक ड्रेस लेनी है और हैंडबैग लेना है, और मिलता है नहीं मिलता। काफ़ी देर हुई घूमते घूमते हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, और अभी प्याज भी बहुत तेज लगी है। मैं थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ यहाँ पर कुछ मिलता नहीं मिलता। यहाँ पर देखिए सेल लगी है 200-200 में, यहाँ पर आपको टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह मिल जाती है शॉप में भी। थोड़ा सा मैं आगे आई मैंने देखा है तो यहाँ पर कुशन कवर्स और पिलो कवर वगैरह थे, जो बेड शीट बहुत प्यारी प्यारी लगी मुझे देखने में, बहुत अच्छी लग रही थी देख के, मुझे अच्छा लगा वो वाला। तो आगे देखते हैं, और हमें यहाँ पर ये है कि आपको ना हर रेंज में मिल जाता है आपको, जैसे आपको जो भी सामान लेना। अब देखिए हैंडबैग है, हैंडबैग यहाँ पर ये 300 से 600 की रेंज में है, और अच्छे हैंडबैग है सारे, ये अच्छी रेंज में थे। तो आगे चलते हैं, आगे हमें यहाँ पर पसंद नहीं आया जो मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे जूट का बैग भी चाहिए, जूट का बैग यहाँ पर मिल नहीं रहा, और मुझे लग नहीं रहा कि मैं ज़्यादा देर रुकूँ। प्यास भी बहुत लगी है यहाँ पर, देखिए ये चल जी रहा ठंडा ठंडा एकदम। तो अभी मुझे ये पीना नहीं है, मैं देखती हूँ कुछ और मिलता है तो आगे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर महंगाई भी, मतलब खाने पीने की चीज़ जो है बहुत महंगी है। तो आगे देख चलते हैं, और यहाँ पे आगे जैसे मैं आई मैंने देखा यहाँ पर कंचे की बोतल, जो बचपन में हम बहुत पीते थे, चलो ये बनवाते हैं। और मैंने जो बनवाने के लिए उसको बनाने के लिए बोला, वो 30 रुपये का ये दे रहा है बोतल, 30 रुपये। कहाँ हम 5-5 रुपये में, 2-2 रुपये में कंचे वाली बोतल दी जा रही है, बोतल तो मैंने बनवा लिया। मैं इसको लेके चलती हूँ, पैसे इसको दे देती हूँ, फिर इसको लेके चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, कभी भी आप आते हैं तो मंडे को यहाँ पर ये जितनी भी मार्केट बंद होती है, पटरी वाली मार्केट यहाँ पर लगती है, शॉप वगैरह बंद होती है, आप मंडे को आ सकते हैं, लेकिन पटरी से आपको सामान मिलेगा, शॉप आपको खुली नहीं मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर हर वैरायटी आपको मिल जाती है, और ब्रांडेड जैसे शॉप भी है यहाँ पर, कैंटेबल वगैरह की भी या बाटा, आपको हर तरह का यहाँ पर मिल जाता है। और ज़्यादातर यहाँ पर सेल पर मिलता है, जैसे ड्रेसेस हो गई या जीन्स हो गई और आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, और यहाँ पर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मतलब सेल पे मिलती है। जैसे देखिए ये अंडर गारमेंट है फीमेल का, और बहुत अच्छा है, अच्छी रेंज में भी मिला और अच्छी क्वालिटी लग रही है। ये देखिए साड़ियाँ, यहाँ पर साड़ियाँ मिल जाती है, ये वाली साड़ियाँ जो थी ये वाली है, 500-600 रुपये में साड़ियाँ मिल जाती है। ये है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और यहाँ के साथ में मैंने देखा था बहुत अच्छी अच्छी कलरफुल साड़ियाँ लग रही थी मुझे, ये मुझे लेना, मेरा मन तो था लेने का लेकिन मैंने लिए नहीं है। अभी चलते हैं और आगे बने रहिएगा इसी में, मैं अभी अब जा रहे हैं हम घर, अभी मूड नहीं था बनाने का वीडियो,